बात करते हैं राम जन्मभूमि अयोध्या की। आज राम जन्मभूमि अयोध्या एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने वाली है, और इसी में आपको बता दें कि शाम 6 बजे पूरे अयोध्या में 12 लाख दीप जलाए जाएंगे। राम की पैड़ी में 9 लाख दीपों का एक साथ में प्रज्वलन करके विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। वहीं पर अयोध्या के अलग अलग क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें 3 लाख दिए जलाए जाने हैं। दिवाली का उत्सव है और इस दीपोत्सव में 3 लाख दिए वहां पर अलग अलग जगह पर जलाए जाएंगे। इस नए रिकॉर्ड के साक्षी खुद सूबे के मुख्यमंत्री बनेंगे, यानी सीएम योगी आदित्यनाथ वहां रहेंगे। सुबह 10 बजे भगवान राम के अयोध्या आगमन को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाते हुए शोभा यात्रा और झांकियां भी निकाली जाएंगी। ये इसी कार्यक्रम में आपको बता दें उत्तर प्रदेश की राज्यपाल उसमें वहां पर शामिल होंगी, मौजूद रहेंगी। आनंदीबेन पटेल वहां पर मौजूद रहेंगी, मुख्यमंत्री खुद वहां पर मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में हेलीकॉप्टर से राम सीता का आगमन, भरत मिलाप और रामायण चित्र प्रदर्शनी का भी उद्घाटन उनके द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें ये दूसरी बार है, इससे पहले भी दीपोत्सव वहां पर हुआ और दीपक लगाए गए थे योगी सरकार की तरफ से। और आपको ये भी बता दें कि ये एक अवध में नए विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, क्योंकि दीपावली का पर्व आ चुका है। दीपावली वो त्योहार है जिसमें दीपों से पूरा का पूरा देश जगमगाता है। उसमें ही राम की पैड़ी की बात करें तो वहां पर दीपों के साथ में वहां पर वो जगमगाएगा। अलग अलग क्षेत्रों में 3 लाख दिए जलाए जाएंगे। पूरा अवध दीपों से, उसकी जो रोशनी होगी दीपों की, उससे पूरा का पूरा अवध जगमगाएगा। राम की पैड़ी में 9 लाख दीपों का प्रज्वलन होगा। अलग अलग क्षेत्रों में 3 लाख दिए जलाए जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, झांकियां निकाली जाएंगी, शोभा यात्रा होगी। ब्रजेश कुमार हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं, संवाददाता ब्रजेश। आज किस तरह का वहां पर माहौल होगा, क्योंकि आनंदीबेन पटेल भी वहां पर पहुंचेंगी, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद रहेंगे और शोभा यात्रा होगी, झांकियां निकाली जाएंगी? साकेत महाविद्यालय के पास खड़े हुए हैं, जो आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ से अभी 10 बजे शोभा यात्रा झांकियां निकाली जाएंगी, जो रामायण से जुड़ी हुई 11 प्रसंगों पर यह झांकियां की तैयारियां चल रही हैं। इस तरीके से अपने आप में जो आकर्षण का केंद्र रहेगा, यह झांकी देखने लायक भी होगी। इसमें जो दीपोत्सव का ये प्रमुख जो होता है, ये आकर्षण होता है, जिसके लोग यहाँ से जो निवासी है देखने। दीपोत्सव पहले भी किया गया था, पिछले साल भी किया गया था योगी सरकार की तरफ से, तो पिछली बार में और अब इस बार में कुछ समानता है या फिर कुछ अलग देखा गया है? नहीं, जिस तरह बताते हैं कि इस बार में हर बार दीपोत्सव में अलग अलग होता है। इस बार दीपोत्सव में जब राष्ट्रतिलक होगा तो मुख्यमंत्री के साथ 2 विदेशी मेहमान भी उस राष्ट्रतिलक में शामिल होंगे, और अयोध्या को हर बार एक नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए प्रताप रहेगी। जिसको इस बार जो अगर घाटों की बात किया जाए तो दीपोत्सव में 9 लाख के लगभग में दिए जलाए जाएंगे, जो पूरा अवध जगमगा उठेगा। इस दिवस से पूरा अवध जगमगाएगा। ब्रजेश, जैसे आप बता भी रहे हैं, तो वहां पर लोगों में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है, वहां पर लोगों का क्या कुछ कहना है और किस तरह की तस्वीरें हैं, अगर आप तस्वीरों के जरिए दिखा सके तो? अरविंद, आपको दिखाना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ की जो क्या तैयारियां चल रही है, जो साकेत महाविद्यालय का प्रांगण है, कि जो तैयारियां है अपने आप में एक जो कार्यक्रम संस्कृत कार्यक्रम होना है उसके लिए बच्चे आ गए हैं, वो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये साकेत महाविद्यालय का ही प्रांगण है कि जहाँ पर यह शोभा यात्रा और झांकी राम से जुड़ी हुई निकाली जाएंगी, जो ये राम साकेत महाविद्यालय से होते हुए प्रमुख मार्गों से होते हुए राम कथा पार्क में पहुंचेगी और मुख्यमंत्री जो होंगे इसकी अगवानी करेंगे। जी जी बिल्कुल, ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, साफ तौर पर पता लग रहा है। लेकिन ब्रजेश, शोभा यात्रा जैसा कि आप भी बता रहे हैं और झांकियां भी निकाली जाएंगी, तो वहां पर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और कब से ये शुरू हो जाएगा? जी, आपको ये बता दें कि जो ये झांकियां निकाली जाएंगी उसके लिए तैयारियां चल रही हैं, जो यहाँ का
जो अवध का जो नृत्य होता है उसके लिए जहाँ के जो कलाकार हैं वो भी आ गए हैं। बस कुछ ही देर बाद में यहाँ साकेत महाविद्यालय से नृत्य करते हुए और भगवान की राम लीला की जो झांकी होगी उसको दिखाया जाएगा। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तो ब्रजेश मौजूद होंगे ही, उनके साथ और कौन कौन वहां पर मौजूद रहेगा इस कार्यक्रम में और कब तक वो लोग पहुंचेंगे? जो आपको बता दें कि जो दीप उत्सव के कार्यक्रम में 2:15 पर जो मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, आनंदीबेन पटेल रहेंगे, जो कृषि सांस्कृतिक मंत्री हैं नीलकंठ तिवारी वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, दो विदेशी मेहमान भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जो रामकथा पार्क में भगवान राम का, लक्ष्मण सीता का राज्याभिषेक होगा, उसके साथ साथ उस कार्यक्रम में दो विदेशी मेहमान भी शामिल होंगे। यहाँ पर क्योंकि पूरा अवध जगमगाएगा, जब दीप जलेंगे तो अलग ही एक माहौल हो जाता है, तो वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनका क्या कुछ कहना है आज के इस खास दिन पर? जी आपको ना, उन लोग जो यहाँ के अयोध्या वासियों की काफी खुशी का माहौल है, इसलिए हर मंदिर और जो घाट चौराहों को सजाया गया है, जो 9 लाख दिए जलाएंगे, जो अयोध्या के प्रमुख मार्ग होंगे वहां पर शाम से ही दिया जलाने का कार्य शुरू हो जाएगा, क्योंकि अयोध्या अपनी जो 9 लाख लगभग दिए जलाए जाएंगे उस कीर्तिमान को हासिल करना है, अग्नि जापक रूप में नाम दर्ज कराना है। ब्रजेश ये यहाँ के जो काफी जी ब्रजेश ये 5 दिनों तक लगातार चलता है, सोमवार से शुरू हुआ है और अभी तीसरा दिन है आज, 5 दिनों तक लगातार चलेगा, तो किस तरह की विशेष तैयारियां हैं वहां पर, क्या कुछ विशेष इस बार किया गया है? इस बार विशेष यही है कि मतलब वो जो राम की पैड़ी है वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया जा रहा है, जिसे राम के जो भी है उसको कराया जा रहा है, और सांस्कृतिक भजन कार्यक्रम जो सोमवार से कार्यक्रम ये शुरू हुआ है और 4 नवंबर तक चलने वाला है, जो भक्त दीपोत्सव का कार्यक्रम है, हर कोई छठा को देखना चाहता है कि इस दीपोत्सव में शामिल होने के लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कार्यक्रम में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और आज पूरा अवध जगमगाएगा।